तो हेलो गाइस, इस वीडियो हम लोग देखेंगे कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का थोड़ा सा पार्ट देखेंगे जो कि ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर है, और साथ में क्या जो है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या चीज़ें थी उसके बारे में थोड़ा सा ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब अभी तक ये इतनी बड़ी चीज़ है कि सभी लोगों को इसके बारे में जितनी भी चीज़ें हैं वो एकदम एग्जैक्ट वो सबको नहीं पता है। तो बहुत थोड़ी थोड़ा पार्ट जो है वो इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। तो इसमें जो है वो दिया गया था, सबसे पहले आइंस्टीन ने दिया था ई इज इक्वल टू में एम सी स्क्वायर। मतलब उन्होंने ये कहा था कि जो भी कोई भी अगर मास है तो उस मास में उसकी एनर्जी जो है वो होती है। मतलब कि अगर ये छोटा सा मास है अगर, तो इसमें इसकी एनर्जी होगी और इसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी होगी कि उससे हम क्या कर सकते हैं, एक पूरे शहर की लाइट को हम ग्लो कर सकते हैं, पूरी शहर की लाइट जला सकते हैं, इसमें इतना एनर्जी है। तो उन्होंने इस बात को क्लियर किया था कि जितना मास होता है उसमें उससे ज़्यादा जो है वो एनर्जी होती है, ठीक है। और इसके बाद से उन्होंने दिया था उसमें कुछ टाइम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिया था कि जो टाइम होता है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टाइप का होता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई जो है वो सपोज़ करिए आपका फ्रेंड है वो ट्रेन में जा रहा है और आप जो है वो बाहर हैं, ठीक है। मतलब आप खड़े हैं और ट्रेन जो है ट्रेन में आपका फ्रेंड जा रहा है, ठीक है, मतलब मूविंग ट्रेन है, तो आपके लिए टाइम जो है वो अलग होगा और उस आपके फ्रेंड के लिए उसका टाइम जो है वो अलग होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप बाहर से देखेंगे तो ट्रेन जो है वो मूव करती दिखेगी, ठीक है, और उसमें जितने भी लोग बैठे हैं वो भी मूव करते हुए दिखेंगे, ठीक। और जो अंदर रहेंगे, जो अंदर बैठा है कोई आपका फ्रेंड, तो वो अगर अंदर से आपको बाहर देगा तो आप मूव करते हुए दिखेंगे, लेकिन उसको क्या लगेगा कि उसको लगेगा कि हाँ सभी चीज़ें जो है वो स्टॉप है। मतलब आप उसको लगेगा कि उसके सामने जो बैठा है वो रुका हुआ है, तो वो बात सही है। तो ये बात गलत थोड़ी ना कि मतलब आपके लिए टाइम अलग है उनके लिए टाइम अलग है, ये बात बिल्कुल सही है। यही जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में दिया था टाइम के लिए, और वो आइंस्टीन ने क्लियर किया था कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी टाइम जो है वो सबके लिए जो है वो अलग अलग होता है, ठीक है। वो आधे घंटे में बहुत ज़्यादा दूरी तय कर लेगा और उसी आधे घंटे में आप वहीं पर रुके रहेंगे, तो ये अलग अलग टाइम होता है सभी के लिए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि जो अर्थ का टाइम होता है, अर्थ का टाइम अलग है, स्पेस का टाइम अलग है, इसमें बहुत सारी चीज़ें कही गई थी। उसमें ये भी कहा गया था कि जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी के हिसाब से टाइम चेंज होता है। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि अगर हम अर्थ पे 5 साल जो है वो हम इधर अर्थ पे 5 साल हम जो है वो इधर कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब 5 साल इधर हम ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन यही 5 साल जो है वो अगर हम इस अर्थ से बाहर चले जाएं, स्पेस में चले जाएं, तो वहाँ पर यही 5 साल हमारे लिए बहुत कम हो जाएगा। 1 साल में या फिर हम कह सकते हैं कि 4 घंटे 6 घंटे के बराबर में ये हमारा 5 साल होगा। मतलब कि हर चीज़ के लिए टाइम अलग अलग है, मतलब रिलेटिव है टाइम, सापेक्ष है। मतलब कि अलग चीज़ के लिए अलग टाइम है, अर्थ पे अलग टाइम है और स्पेस पे अलग टाइम है, नेपच्यून पे अलग है, सैटर्न पे अलग, मतलब सब चीज़ के लिए टाइम जो है वो अपना अलग अलग है। जहाँ पर जितनी ज़्यादा ग्रेविटी है वहाँ पर टाइम उतना ही जो है वो स्लो चलता है, और जहाँ पर जितना कम ग्रेविटी होती है वहाँ पर टाइम उतना फास्ट चलता है। इसीलिए स्पेस का टाइम इस अर्थ के टाइम से अलग है। स्पेस पे जो है वो हम लोग स्पेस में अगर हम 1 दिन रहते हैं तो यहाँ पर हम लोग का समझ जाइए कि हम लोग का सालों बीत जाएंगे, यहाँ पर अर्थ पे सालों बीत जाएंगे और स्पेस पे जो है वो हम लोग कुछ ही दिन बिता देंगे। ये हमारा होता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में उसका थोड़ा सा पार्ट कि टाइम का थोड़ा सा जो है वो इसमें रिलेटिव होता है, मतलब सबके लिए टाइम जो है वो अलग अलग होता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि थोड़ा सा पार्ट आपको समझ में आया होगा।